अगर आप इस मूवी के आखिरी मिनट तक इसके साथ जुड़े रहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को रोना बिल्कुल भी नहीं आएगा। बट इसकी एंडिंग समझने के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि प्लीज अपने दिमाग के चक्षु खोल के बैठ जाना। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं हेलो वर्ल्ड एनिमे मूवी के बारे में। अब देखो यार, इसकी कहानी समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक साइंस फिक्शनल वाला जोनर ऐड किया गया है जो काफी ज्यादा पेचीदा है। इसकी कहानी शुरू होती है एक लड़के नाओमी कातागाकी से, जो 16 साल का लड़का है, और एक दिन उसे क्या होता है कि अपने से 10 साल का उम्र का लड़का उससे आके मिलता है जो उसी का एक रूप होता है। एक्चुअल में वो भविष्य से आया हुआ होता है, पास्ट में इसलिए आया क्योंकि जो भविष्य का जो नाओमी है उससे गलती हो गई थी अपने पास्ट में, और वो उस गलती को सुधार कर अपने फ्यूचर को सही करना चाहते हैं। एक्चुअल में हुई क्या गलती है कि जब वो छोटा था, मतलब जो 16 साल का था, तब वो एक लड़की से प्यार करता था, और उस लड़के के ऊपर आसमान से बिजली गिर गई थी और वो लड़की मर गई थी। अब वो क्या चाहता है कि जैसे तैसे अब 10 साल बाद वापस इसलिए आ पाया क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है कि वो पास्ट में जाकर अपनी जो मतलब कोई गलती है या कोई जो गड़बड़ हुई थी उसको ठीक कर सके। अब ऐसी टेक्नोलॉजी बनने के कारण वो जब वापस आता है अपनी उस गर्लफ्रेंड को बचाने, या अपनी जो दोस्त है रूरी उसका नाम है, उस लड़की को बचाने जब आते हैं, तो ये अपने इस छोटे रूप की मदद लेता है, छोटे कातागाकी की मदद लेता है, यानी छोटे नाओमी की मदद लेता है। वो ये इतना आसान नहीं है कि एक बंदा जो है वो भविष्य से अपने पास्ट में आके एक लड़की को बचाने है, ये थोड़ा पेचीदा है क्योंकि इसका पास्ट बहुत ज्यादा अलग है। इस एनिमे मूवी का फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा इमोशनल है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है हमें सच में यार। कई जगह तो यार बहुत ज्यादा, वो जब नाओमी भविष्य का नाओमी जब आता है, जब वो अपने ही प्यार को जब वो देखता है तो उसकी रोना आ जाता है, तब उस वक्त तो यार मैं इमोशनल हो गया था। बट इसका जब सेकंड हाफ की जब बात करूं, जब चीजें एकदम से ही चीजें चेंज आ जाती हैं, उसके अंदर हॉरर भी इंक्लूड हो जाता है। एक वक्त होता है कि जब सेकंड हाफ में कुछ रोबोट आते हैं और वो नाओमी का उसका जो रूरी नाम की जो लड़की है उसका गला दबा रहे होते हैं, और इवन वो मरने ही वाली होती है, और जो नाओमी है वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो अपंग होता है और वो कुछ नहीं कर रहा होता, कुछ कर ही नहीं पाता है। उसके सामने नाओमी उसका रूरी का जब गला दबा रहे होते हैं, यार इस वक्त मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैंने कहा यार नहीं यार, बस पहले भी तुम लोगों ने इमोशनल करके इतना ज्यादा मतलब डीपली यार इतना ज्यादा इफेक्ट करते हो, मैंने कहा यार ये नहीं होना चाहिए इस बार, एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। इसके सेकंड हाफ में कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं कि यार सच में यार अपने आप पर यकीन नहीं होता कि यार ये सब चीजें हो रही है। बट मैं ये कह रहा हूं कि यार देखो, आप लोगों को इसके एंडिंग तक, मतलब जब क्रेडिट भी खत्म हो जाएगा तब तक आप लोगों को इसके एंडिंग तक जुड़े रहना होगा, तब ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये मूवी फिर अच्छी भी लगेगी। इस एनिमे मूवी में जो एनिमेशन यूज की गई है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी, और जिसके अंदर इमेजिनेशन की जो पावर दिखाई गई है वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। दूसरी चीज इसके अंदर मुझे पसंद आया, इसमें एक सॉन्ग आता है हेलो डियर करके, वो काफी ज्यादा अच्छा है, इवन मैं उसको अभी अभी सुन ही रहा था। एक ऐसा वर्ल्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप जो जी रहे हैं एक्चुअल में वो यादें हैं, वो आपकी अपनी ही यादें हैं, इवन आपका जो रियल वर्ल्ड है वो बिल्कुल ही अलग है। शायद ये समझना थोड़ा मुश्किल है, तभी तो कह रहा हूं कि जब आप ये मूवी देखोगे तभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, क्योंकि इसमें भविष्य से पास्ट में जाने का कॉन्सेप्ट, टाइम ट्रेवल नहीं है, कुछ और ही इसमें दिखाया गया है। बाकी मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7 out of 10 स्टार, क्योंकि इसका सेकंड हाफ यार मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, बट इस मूवी ने एटलीस्ट मेरा इंटरेस्ट रखा पूरी एंडिंग तक। एंडिंग जब मैंने देखी तो मुझे मुझे सेटिस्फैक्शन मुझे मिली कि ठीक है यार एटलीस्ट इन्होंने ये दिखाई, अब लॉजिक कुछ चीजें को बन सकता है। बाकी अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं इसको रिकमेंडेड जरूर करूंगा, यार जाकर देखो, कुछ अलग ही आपको साइंस फिक्शनल हॉरर और रोमांस इसमें देखने को मिल सकता है। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।